बचपन एक सपना था, छोटी छोटी खुशियों का खजाना था। ना कोई फिक्र थी ना गम का साया था। रस्सी के झूले, आम का पेड़, गर्मी की छुट्टी और दोस्तों का खेल। आइए आज इसी बचपन को हम घर की चीज़ों में कैद करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू आर्ट स्पेक्ट्रम। आई एम शिल्पा हियर। आज के वीडियो में मैंने ट्रे, कोस्टर सेट और उसके लिए स्टैंड बनाया है, जिसमें मैंने अपने बचपन को कैद किया है। अगर आप भी 80s और 90s के किड हैं तो आप भी इस यादों को अपने बचपन से रिलेट कर सकते हैं। आप भी इसी तरह की होम डेकोर चीज़ें बनाकर अपनी यादों को ताज़ा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये DIY मैंने कैसे बनाया है। पहले DIY के लिए यहाँ पर मैंने एक MDF ट्रे लिया है और उस पर वाइट जेसो अप्लाई कर दिया है। जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो गया, उसके बाद यहाँ पर मैंने लेमन शिफॉन चॉक पेंट अप्लाई किया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक शीट ली है जिसका साइज़ MDF ट्रे के साइज़ के बराबर है और उस पर अपने बचपन में यूज़ किए गए चीज़ों को ड्रॉ कर लिया है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चाहे तो वहाँ से ट्रेस कर सकते हैं। फिर जितनी भी चीज़ें बनाई हैं उसे अपने अकॉर्डिंग मैंने कलर फिल कर दिया है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है यहाँ पर ट्रेस करने के लिए, पर मैंने उनमें से कुछ चीज़ों को ट्रेस किया है, जैसे कि TV, वॉकमैन, टाइपराइटर, रेडियो, लालटेन, VCR, कैसेट, फिर डिफरेंट टाइप के कैंडी जैसे कि स्वाद, पॉपिंस और सिगरेट वाली कैंडी, फिर कुछ मैगजीन्स जैसे कि चंपक, नंदन, चाचा चौधरी, क्रिकेट सम्राट और पिंकी, और कुछ कार्टून कैरेक्टर भी मैंने ड्रॉ किए हैं जैसे कि डोनाल्ड डक और मिकी माउस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप भी इस तरह की चीज़ें बनाने की कोशिश घर पर ज़रूर करेंगे। तो सारे कलर फिल करने के बाद यहाँ पर मैंने आउटलाइन ड्रॉ किया है, जिसके लिए मैंने माइक्रोन के पेन लिए हैं। कहीं कहीं मैंने माइक्रोन पेन का यूज़ किया है और कहीं कहीं ज़ीरो नंबर ब्रश का यूज़ किया है। आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। आप इसके जगह एक्रिलिक पेन भी यूज़ कर सकते हैं जो कि वाटरप्रूफ होता है। फिर बाहर के साइड में यहाँ पर मैंने चॉक पेंट अप्लाई किया है, जिसमें म्यूटेड टील कलर लिया है जो कि येलो के कॉन्ट्रास्ट में है तो काफ़ी अच्छा दिखता है। फिर ट्रे के साइड में दोनों साइड, जिस साइड हैंडल है वहाँ पर मैंने कैसेट ड्रॉ किया है और उसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 सर्कल कट किए हैं जो कि उस होल में फिक्स किया है कुछ इस तरह से। तो इसे फिक्स करने के लिए यहाँ पर मैंने ग्लू गन का यूज़ किया है। फिर इस तरह से ड्रॉ कर मैंने कैसेट बनाया है और इसमें अलग अलग कलर फिल कर दिए हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें सारे पेस्टल कलर मैंने यूज़ किए हैं। और इसके आउटलाइन को ट्रेस करने के लिए यहाँ पर मैंने एक्रिलिक पेन लिया है जिससे ट्रेस कर लिया है। फिर सेंटर में जो सर्कल बनाया था वहाँ पर इस तरह से मैंने लाइंस ड्रॉ कर लिए हैं। तो ये सेम तरह से मैंने दोनों साइड ड्रॉ किए हैं और यहाँ पे डॉट बनाया है जो कि नट के तरह दिखेगा कैसेट का। जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो गया उसके बाद इस पर मैंने वार्निश अप्लाई किया था। जब वार्निश अच्छी तरह से ड्राई हो गया उसके बाद यहाँ पर मैंने रेजिन लिया है और इसमें पोर कर दिया है और इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया है। स्प्रेड करने के बाद जो भी बबल्स थे उसे मैंने ब्लो टॉर्च की हेल्प से हटा दिया है और इसे एक दिन के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। और ड्राई होने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखता है। देखिए साइड में ये थोड़ा कैसेट वाला लुक दिया है मैंने और सेंटर में जो भी चीज़ें थी वो मैंने ड्रॉ किए हैं। आई होप कि आपको ये ट्रे पसंद आया हो। अब चलिए हम लोग देखते हैं कोस्टर सेट मैंने कैसे बनाया है। उसके साथ साथ मैंने स्टैंड भी बनाया है
तो यहाँ पर मैंने 6 MDF के कोस्टर्स लिए हैं और कुछ प्रिंटआउट लिए हैं जो कि नेट पर आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। तो जो भी प्रिंटआउट थे वो कोस्टर के साइज़ के अकॉर्डिंग नहीं थे, तो जितने भी एक्स्ट्रा लेटर्स या लाइंस आए हैं उसे भी मैंने टेयर कर दिया है इस तरह से। और इसे स्टिक करने के लिए यहाँ पर मैंने मॉच पॉच ग्लू का हेल्प लिया है और इसे इस तरह से स्टिक कर दिया है। तो जितने भी प्रिंटआउट थे उसमें आप देख सकते हैं कि बचपन में जो भी चीज़ें हमने की हैं वही सारी यादें हैं, जैसे कि पेड़ों पर चढ़ना, आइस लॉली खाना, दोस्तों के साथ पिट्टो खेलना, या फिर कैसेट से रील निकल जाना तो उसे पेन या पेंसिल की हेल्प से अंदर डालना। तो जितने भी प्रिंटआउट में कलर नहीं हुए थे उसे पेंट करने के लिए इस तरह से मैंने इसे ब्लेंड कर दिया है, तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि वहाँ से टेयर हुए हैं। पोस्टर के बैक साइड में भी मैंने कलर अप्लाई किया है, उसके लिए वहाँ पर मैंने टेराकोटा कलर का यूज़ किया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे ज़रूर से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फाइनली बनने के बाद इस पर मैंने मॉच पॉच अप्लाई किया है और साइड के लिए मैंने मेटालिक कॉपर कलर का यूज़ किया है, जिसे ब्रश की हेल्प से मैंने इस तरह से अप्लाई कर दिया है। उसके बाद सारे कोस्टर पर मैंने कुछ कोट लिखे हैं जो कि आप देख सकते हैं। तो इस तरह से मेरा ये सारे कोस्टर रेडी हो जाते हैं। और इस कोस्टर को रखने के लिए जो मैंने स्टैंड बनाया है वो भी देखेंगे कि मैंने कैसे बनाया है। तो चलिए देखते हैं वो स्टैंड मैंने कैसे बनाया है। उसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने जिंगा के ब्लॉक्स लिए हैं, जो कि मेरे पास दो सेट थे, जो ख़राब वाले हैं वो मैंने लिए हैं। और इसे स्टिक करने के लिए यहाँ पर मैंने एरल्डाइट के ग्लू हैं उसे लिए हैं, जिसमें हार्डनर और रेजिन होते हैं उसे मिक्स कर लिया है। और इस तरह से मैंने आइसक्रीम स्टिक की हेल्प से इसे स्टिक करते गई हूँ लगाकर। तो इस तरह से मेरा बेस रेडी हो जाता है। और साइड में लगाने के लिए मैंने पैर में दो दो ब्लॉक्स को स्टिक कर दिया है कुछ इस तरह से। ये ग्लू काफी जल्दी ड्राई हो जाता है, तो आप जितना जल्दी हो सके इसे स्टिक करें। उसके बाद बेस पर मैंने यहाँ पर स्नेक एंड लैडर का बोर्ड गेम बनाया है, जिसे बनाने के लिए मैंने इस तरह से स्क्वायर ड्रॉ किए हैं और उसे येलो और वाइट पेंट से कलर कर दिया है, और स्टार्टिंग पॉइंट को ग्रीन से और एंड पॉइंट को रेड से कलर कर दिया है। फिर कुछ स्नेक्स और कुछ लैडर्स बनाए हैं। आप भी स्नेक एंड लैडर तो ज़रूर खेलते होंगे बचपन में, शायद अब भी खेलते होंगे। तो इसे मैंने एज अ कोस्टर स्टैंड के लिए यूज़ किया है। जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो गया है उसके बाद इस पर भी मैंने वार्निश अप्लाई किया है। अब जितना भी वुडन पार्ट एम्प्टी है उसे कलर करने के लिए मैंने वुड स्टेन का यूज़ किया है। तो वुड स्टेन आपको इट्सी बिट्सी में मिल जाएगा, तो इसमें मैंने वॉलनट कलर लिया है। इसे चाहे तो आप कॉटन की हेल्प से भी लगा सकते हैं। फिर अगेन मैंने एडलाइट ग्लू की हेल्प से इन सारे ब्लॉक्स को इस तरह से स्टिक कर दिया है, और इस तरह से मेरा ये क्यूट सा कोस्टर स्टैंड रेडी हो जाता है। तो जितने भी कोस्टर मैंने बनाए हैं उसमें ये बहुत आसानी से फिट हो जाता है। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और मैं इसी तरह से अच्छे अच्छे और नए नए वीडियो लेकर आती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।